विषमीशावतार का तत्प्रकाश सतत शक्ति कृष्ण चैतन्य नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले स्वयं रूपं कदा मयं ददाति सुपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहदितो गौड़देव पुष्पवंतो चित्र संदोतमनितो राधा दामोदर पृष्ठा राधिका वर्षभानवी समस्त बल्लभी वृंदा धर्मिलोतंग समलिका कृष्ण प्रिया बलिमुख्या गंधर्वा ललिता सखी विशाख सख्य सुखिनी हरिहृद भृंग मंजरी वंदे नवगन श्याम कृष्ण प्रकृते परम सानंदं सुंदरं शुद्धं श्रीकृष्ण प्रकृते परम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वदेव गुरुपाद पद्म निथिला कृष्ण विष्णुपाद स्तोत्र सतशील भक्ति वैभव पुरी विषय महाराजिंकर अशोक चरण कमल षष्ठम धनवत प्रणिपात करता प्रार्थना करी जगत प्रशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सही प्रभुपात रातुल षष्ठांग प्रणिपात करता प्रार्थना करे मध्य शिक्षा गुरु परमारत्नशील भक्ति विचार विष्णु विषय षष्ठांग प्रणिपातना प्रार्थना करे शिक्षा गुरु वर्ग परमारत्नशील भक्ति सत्य के सही विषय महाराज षष्ठांग प्रणिपात मध्य समस्त सतीर्थ शिक्षा गुरु वृंद मंचासीन परमारत्न मधुसूदन महाराज परमारत्न परमार्थी महाराज परमारत्न परिव्राज महाराज संपस्त परमारत्न श्रीधर महाराज असतीर्थ वृंद समस्त वैष्णववृंद मातृमंडली भगवत सत्संग कथा पिपा सुधि भक्त जनवृंद समस्त चरण कोण रोमांचित षष्ठांग प्रणिपात आज प्रसंग प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति कहा जाए छे प्रेम भक्ति हो भगवान आह्लादिन संवित प्रधान स्वरूप शक्तिर परिचय भगवान आह्लादिन शक्ति संवित प्रधान आह्लादिन शक्ति शिरोमणि होती श्रीमती राधाराणी बिना किशोर जी कृपार प्रेम भक्ति संभव नहीं। चलो किंचित समय अंतर राधा नाम कीर्तन करिया राधा 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 राधा
प्रसंग प्रेम भक्ति प्रेम आ भक्ति बहुत सुनिचे भक्ति विषय मैंने जो भक्ति बिना जहाँ अंतकरण भक्ति थाए भगवान निज लोक को त्याग कर सब दिन हृदय अंतकरण प्रवेश करती जो जो प्रेम बिना व्यर्थ जीवन कहुक वेतन मोर देन प्रेम था भक्तिर संज्ञा तो आमर परम पूज्य वासुदेव महा से दिन बढ़िया उपस्थापन करते अन्य भिलाषित शून्य नारद पंचायत श्लोक उठी थे सर्वपाधि प्रेमर संज्ञा हूँ विशेषकर ये जो प्रेम भक्ति ना प्रेम ही जीवर सर्वार्थ सिद्धि साधन करे प्रेम ही जीवर सर्व मंगल साधित होते आ प्रेम बिना जीवन ही निरर्थक व्यर्थ कहु कृष्णेन्द्र प्रतिवांछा धरे प्रेम ना कृष्णकर इंद्रिय सुख दवाटा ही प्रेम कहगला जमी गोपीगण निज सुख वांछा गोपीगण नाहीक विचार कृष्ण सुख हेतु तार मन व्यवहार वाक्य व्यवहार गोपी मानकर जमी निजर सुखपी कौन कामना ना एकमात्र कृष्णकर सुखपी तर समस्त क्रिया शारीरिक बाचिक मानसिक आ प्रेमर परिभाषा कह जा गोस्वामीजी कहते सम्यक मश्रणुत संत ममता अतिशयंकित भाव शैव संद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगद्यते पंडित मैंने कहते प्रेम कह जाए सम्यक मश्रणित संत ये जो सांद्रात्मा शब्द ना मान गाढ़ता भाव रति जो गाढ़तर होता है भाव जो गाढ़ता रूपांतरित परिणत होता है ताको कहगला प्रेम से प्रकार प्रेम जो उदय हम गाढ़ता जब आसव कौन हम अंतकरण मश्रण हो चित्त व हृदय पूरा मश्रण होती कौन सी धूली रही कौन सी मिश्रता नहीं अन्य भाव जहाँ को आसो केवल अन्य अव्यभिचारिणी एसु वृत्ति आसो तेणु ममता अतिशय संकिता अतिशय अंकित ममता अंतकरण तो शुद्ध हो जो कौन हो भगवान प्रति श्रीकृष्ण प्रति तार ममता अतिशय हो अतिशय ममता प्रेमास्पद जहाँ कहगला जो थे जगत प्रति गोटे गोटे कण मात्र प्रीति रही जमी आम गुरु महाराज कहते मु चाहे संपूर्ण स्वार्थपरता कहीं मोर एकम्र स्वार्थर विषयवस्तु कृष्ण कृष्ण अतिरिक्त विषयवस्तु मोर कौन सहानुभूति ना ये अतिशय ममतार परिचय तेणु ये प्रेम दुटा शब्द अच्छे गोटे सांद्रता गाढ़ता आ गए ममता टीकाकार मैंने कही प्रेम भक्तिर जो आकृतिगत स्वरूप लक्षण से हूँ सांद्रता व गाढ़ता आ प्रेम भक्तिर तटस्थ लक्षण हूँ ममता कृष्ण प्रति अतिशय ममता विचार जदि कर भक्ति दी प्रकार साध्य भक्ति साधन भक्ति ये भाव भक्ति और प्रेम भक्ति हूँ साध्य भक्तिर अंतर्गत तेणु साध्य भक्तिर अंतर्गत प्रेम प्रेम प्राथमिक अवस्था हूँ भाव भक्ति तार परिणत अवस्था हूँ प्रेम भक्ति अंतिमेट आपरे ऊर्धर किसी ना किंतु ये भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होगापी जमी का गत काली पूज्यपाद अवधूत महाराज कहते ब्रज बिना ये भक्तिर नाई अवस्थान ब्रज बिना आर कौटी परिचय न थाए ब्रजजन मानक वृत्ति कहीं ब्रजवासी कृष्ण प्रति स्वाभाविक प्रीति ब्रजवासी मानक कृष्ण प्रति प्रीति हूँ स्वाभाविक नेचुरल स्पन्टेनियस आपको प्रयास कराए ये सभक्ति त्रिविधा कहगला भक्ति तीन प्रकार
साधनं भाव प्रेमंच तित्रिहुभिते। गोटे साधन साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति पूर्वर आम आस्वादन करे साधन भक्ति भाव भक्ति विषय बहुत किसी महाराज मैंने कही आज प्रेम भक्ति जोटा कि सर्वोत्कृष्ट भगवत साक्षात्कार भगवत सान्निध्य भगवत सेवन मुखतार सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पावच हो प्रेम भक्ति जमी कह रति जितने गाढ़तर हम रति व भाव जो गाढ़तर हम तो कौन हम धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त हम स्नेह ममता स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव पर्यन से गति करे। महाभाव महाभाव हूँ सर्वोच्च स्तर जार एकमात्र अधिकारी हूँ श्रीमती राधाराणी। एस हूँ प्रेम विकास स्तर कहगला ये जो मान प्रणय अधिक प्रेम विकास स्तर कह जो माने प्रेम पथरे पथिक हेबे भगवान के प्रति निबिड़तर हेबे तांकर मन वृत्ति चित्त सब किछ अभिनिवेश ठाकुर जी प्रति अहर वृद्धि प्राप्त हेब ए तांकर ए सब भाव परिलक्षित हो तांकर पाखरे देखा जीव। किंतु सांख्य मतरे कह जाइछे सांख्य मत कह जदि उपादान करण तार पूर्वावस्था को परित्याग करे ताले से कार्य रूप परिणत होता है। उदाहरण दुग्ध अच्छी दुग्ध जदि दधि परिणत हो ताले दधि दुग्धर अवस्था परिवर्तन गुण भी परिवर्तन होगा किंतु यही फिलोसोफी प्रेम भक्ति प्रजोज्य नुहे कहीं प्रेम भक्ति एक प्रकार गोटे मार्ग पथ जोटि तार पूर्व पूर्व रसर उद्दीपना ये रही थाए जमी उज्जवल रस श्रृंगार रस कहगला तार जिते सब निम्न रस रही सब से सब रसर अनुरा रंजित होता है ये सब तेणु प्रेम भक्ति एकाधार कह रसराज को आकर्षण करिवारे बस ताकू उद्दीपना दबार तांकर उद्वेग उद्दीपना आवेग अनुराग वृद्धि करेबारे ए प्रेम भक्ति सर्वोपदिष्ट कहगला। एथिपाई प्रेम भक्तिर मूल आचार्य मूल अधिकारी श्रीमती किशोरजी प्रति ठाकुरजी अहेतुक दुर्बलता को जहाँ भी को कहीं विद्वान मान कहते कहे अनन्य ममता विष्ट ममता प्रेम संगीत भक्ति ऋतुच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद भीष्म प्रहलाद नारद उद्धव आपको भक्ति बोली उत्तम भक्ति बोली कही जोटि अनन्य ममता विष्ट भगवान प्रति जार ममता अनन्य थी जोटा कि प्रेम संगीत हो प्रेम संपुट हो अनन्य ममता क्या कहगला अनन्य माने न अन्य अन्य कार्य प्रति नहीं ठाकुरजी और भक्त मझे कौन ऑब्स्टेकल ना कौन प्रतबंधक ना ठाकुरजी मथुरा जा रंगसभा योगदान करने तो फेरिले बहुत बुझा सुझा कर नंदबाबू को पठाईदे पिताश्री आप जातु जाते ब्रजर सुरक्षा करते मुसबि बास कथा कहार तो ठाकुर जी बड़ उस्ताद ना अनिच्छा सत्वे प्रतिश्रुतिबद्ध हो लालार मनरे कौन दुख नदेपी तार इच्छा को स्फूर्ति करने से अदम्य दुख को सह्य कर नंदबाब आसावन को जो मुहूर्त ठाकुर जी गले से समय पर्यंत फेरवा पर्यंत जशोदामा बसी से देहली उपरे जेमती सचिनंदन गौरी सन्यास लीला पर सचिमाता दीर्घ शत दिवस अपे कि खाई कि पी ना खाली जड़बत बस जशोदामा अश्रुपात होती रुद्यमान नंदवाद आसी
ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା ଧ୍ୱଜା ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ରଥର। ଧ୍ୱଜାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଜୀବନ ହେଲା, ଆସନ୍ନିତ ହେଇଗଲେ ସେ, ଯାହା ହଉ ମୋ ଲାଲା ଫେରି ଆସିଛି ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ନନ୍ଦବାବା ନିଜେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିକଟତର ହେଲେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବି ହୃଦୟବାନ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କରିବେ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦାଜୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରଜରାଜ ଆପଣ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଲା ଆସିନି, କାହ୍ନା ଆସିନି, ଇଏ କହିବେ କ'ଣ। ଇଏ ଖାଲି ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯଶୋଦା ମୟା, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେଉଁ ଲାଳସା ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଭିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନର, ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ଗମନ ସମୟରେ ଦଶରଥ ବାବା ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ପିତା ହେ, କି ପ୍ରକାର ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆହୁରି ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକାକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯଶୋଦେ ମୁଁ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନି, ଆରେ ସିଏ ଜାଣେ ତମେ ବି ଜାଣ ଭଲ ରୂପେ, ଦେଖ କେବଳ ତାରି କୃଷ୍ଣ ତ ମୋର ପ୍ରାଣ ନା, ତା ବିନା ତ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଦୁଇପଦ କଥା ହିଁ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଇଛି ଏଇଠି ନା କ'ଣ। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ସେ ଯେ ଆସିବି ବୋଲି କହିଛି ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ଯେତେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମୋତେ ମୋ ଦେହ କଠୋର ସବୁ ହୃଦୟକୁ କଠୋର କରି ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ କରି ରହିଛି ଏଇଠି। ଯଦି ତୁମେ କୁହ, ଯଦି ତାରି ବିରହରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବି ଧାରଣ କରି ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି, ଯଦି ସେ କାଲି ସକାଳୁ ଫେରି ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ମୋ ନନ୍ଦ ବାବା ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ହେବ ତା ମନରେ କୁହନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେବ, ତା ଅନ୍ତକରଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ରେକ କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ଲାଲା ଦୁଃଖୀ ଥବୁ ମୋରି ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭଲ ଜଗତରେ ବିଧାତା ମୋର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉ ପଛେ ବାସ୍ ମୁଁ ସେହି କରି। ଏଇ ମମତା ହେଲା ଅନନ୍ୟ ମମତା, କୃଷ୍ଣ ବିନା ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରଜର ରସିକ ସନ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି, 300 କୋଟି ଗୋପୀ କିଶୋରୀଜୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ କରି ଯମୁନାର ପୁଲିନରେ ରୁରୁଦ୍ୟମାନ ହୋଇକି ଗୋପୀ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ରୁରୁଦ୍ୟମା, କିନ୍ତୁ ବସିଥିଲେ କେମିତି, ବସିଥିଲେ ବ୍ରଜପଟେ ମୁଖକୁ ଅବଲୋକନ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି, ମଥୁରା ପଟେ ପଶ୍ଚାତପଟେ ହୋଇ ପଛ କରି। ନାରଦଜୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି, ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ, ଆରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁନ କି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ଆମମାନେ ଏଇଠି। ଓହୋ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବିରହ ବ୍ୟଥିତ, ଆରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତ ରହିଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ମଥୁରାରେ ଅଛନ୍ତି, ତମମାନେ ପଛ କରି କାହିଁ ବସିଛ, ମଥୁରା ପଟେ ମୁହଁ କରି ବସୁନ, ତୁମ ବୃନ୍ଦାବନ ତୁମ ଘର ଦ୍ୱାର ପଟେ କାହିଁ ମୁହଁ କରି ବସିଛ। ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ନାରଦ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନାରଦଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଟାଣିକି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ନାସାଗର ରଖିଛନ୍ତି, ନାରଦ ବାବା ବା 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 କରି ହାତଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ବିରହାଗ୍ନି ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଛି ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଜଳିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ନାରଦଜୀ କହି ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ନାରଦ ଦେଖ, ଆମେ 300 କୋଟି ଗୋପୀ, 300 କୋଟି ଗୋପୀଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବିରହାଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଏକାଥରକରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବିସୃତ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ସେ ମଥୁରା ରହିବ, ଆରେ ଭଲେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଘର ପଟେ ମୁହଁ କରି ରଖିଛୁ, ଭଲେଇ ଆମର ଏମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର, ଆମ ଜମି ବାଡ଼ି, ଆମର ଯେତେ ସ୍ୱଜନ ବାନ୍ଧବ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଭଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବଞ୍ଚିକି ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ମମତା, ଯାହା କୁହାଗଲା ମମତା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମମତା ଭିତରେ ଆଉ କାହାରି ଅବସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଅନନ୍ୟ ମମତା କୁହାଯାଇଛି।
ସେମାନେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମନ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ଜାଗ୍ରତରେ କେବଳ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରୀକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମମତା ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗୀତ କୁହାଗଲା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପୁଟ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି କିଶୋରଜୀ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଯୁଗଲ ସରକାର, ହଠାତ୍ ନିଦ୍ରାବଗ୍ନ ହୋଇଛି ସ୍ୱାମୀ ନିଜଙ୍କର, ତାପରେ ଉଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଉଠିଲେ କାନ୍ଦିଲେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ହୃଦୟ ମାନ ପୁରା। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ କହିଲେ ରାଧେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ କହିଲେ ଆଜି ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୋଇଗଲି। କହିଁ କହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୋଇଗଲି। କାହିଁକି ନା ମୋ ମନ ଭିତରେ ବି କେବେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବି କୌଣସି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରିନଥିଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି, ମନ ତ ଗୋଟାଏ ନା ମୋର, ତୁମକୁ ସମର୍ପିତ। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରୀତମ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି କାହାରି ଗୋଟେ କଣ୍ଠର ଆୱାଜରେ ଧ୍ୱନିରେ ମୋ ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହେଲା, ମୋ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୋଇଗଲି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତୁମର ସେବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତା। କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ଶ୍ୟାମାଜୁ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋର ସେଇ ରୂପ ହେବ, ସେଟା ମୋରି ସ୍ୱରୂପ। ଆରେ ମୋ ବିନା ତୁମକୁ କି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ? ଅସମ୍ଭବ। ତୁମର ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ପ୍ରୀତି, ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ବସିଭୂତ ନା। ଜଗତରେ କାହାରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ଚିତ୍ତକୁ ବିଗଳିତ କରିପାରିବ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ବସ୍ତୁ ମାଗୁଛି, ତୁମେ ଦେବ। ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରୀତମ, ମୋର ଏମିତି କୌଣସି ଅଦୈବ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ସର୍ବସ୍ୱତ ଶରୀର ବି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମର ବାସ। ତୁମେ ଯେମିତି ବିହାର କରିବ, ଯେମିତି ବିଳାସ କରିବ, ଆ ଉପରେ ଅଧିକାର ତୁମର ଅଛି ମହାରାଜ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଟିକେ ତୁମ ଭାବ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରୀତମ କ'ଣ ମାଗିଲ ହେ ଆଜି? କି ବସ୍ତୁ ମାଗିଦେଲ କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଦେବୀ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନା, ସଂଯତ କରିପାରିବେ ତ ନିଜକୁ? ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ତ? ମାନେ ରାଧାଙ୍କର ଭାବ କି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିଶୋରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଏ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ବିରହରେ ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇକି ଅଛି, ଆଜି ତାଙ୍କର ବିରହାଗ୍ନି ଯେଉଁ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବିରହାଗ୍ନିର ଗୋଟେ ଶିଖା ବା ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଧୂମକଣା ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କହୁଛନ୍ତି ତମରି ବିରହରେ ଏ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେଉଁ ବିରହାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି, ସେ ବିରହାଗ୍ନିର ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଯଦି, ଗୋଟେ କଣିକା ଧୂଆଁ ଯଦି ନିଃସୃତ ହେବ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ରାଗ କରିଦ, ପାଉଁଶ କରିଦ ମହାରାଜ। ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିରହକୁ ଆପଣ ତାକୁ ସଂଯତ କରିପାରିବେ ତ? ମାଗୁଛନ୍ତି ଭାବଟା, ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖାହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁରି ହେଉଛି, ବେଳେ କୁର୍ମାକାର ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର, ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସବୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛେ କେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନା, ସେ ସମର୍ଥବତୀ, ସେ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁକିଛିର ଅଧିକାର ତାଙ୍କରି ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଭାବ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ମୋର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତିର ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତଃକୃଷ୍ଣ ବହିର୍ ଗୌର କୁହାଗଲା, ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ଅଛି ଆମର ସ୍ୱାମିନୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର, ସେଇ କାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଗୋ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ଗୋରା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଆଜି ସେ
विरोह को से सहयोग कर पार्ले महापुर गंभीर बहुत किसी देखते से जो अनन्य ममता जो प्रेम संगत कहगला ये प्रेम जगत रे ना आज्ञा कहले कैतव रही तो कृष्ण प्रेम नहीं भवती हो लोके ये संसार ए प्रकार कपट रही तो प्रेम ना कहीं जगत रेते सब प्रेम परिभाषा दिखे सब प्रेम नहीं सब विकृत प्रतिफल प्रेम काम कहगला इंद्रिय किंतु श्रीकृष्ण गोपी मान का जो प्रेम कैतव रही तो प्रेम कह कैतव रहित कैतव मान कपट कैतव रहित प्रेम न ही भवती यो लोके अश्विन लोके न भवती ये लोकर से प्रकार प्रेम विरल महाराज जदि भवती विरहे जदि कोटे अच्छी ताले विरह रहिबो आ विरहे न न न जीवती जदि विरह ताले के बंची पारियनि महाराज कृष्ण आपण आपण जे भल पाइजे ना से बंचीवाटा धारण कर असंभव जदि आपण प्रति कार सत्य सत्य जदि प्रेम भक्ति जागृत होती अंतकरण रे ताले आपण को विरह रे आपण को अदर्शन से बंची पारियोनि एथिपे महापुरु कहले मत अदर्शन मर्माहतं करोतवा जहाँ कर से कर महाराज आलिंगन करी पदाघात कर आश्लिष्य पादर तंकि निष्ठमा तुम्हें लंपट तुम्हें मोर प्राणनाथ तेणु ये प्रेम विरल यहाँ केवल भगवान कर कृपा दरकार आ महत्पुरुष कृपा कहगल जड़े साधन करके कृपावशत भी जापर से भावस्थित जापर एकमात्र अंतरंग सेवा मान प्रेमिक जो मैंने भगवान कर स्वतंत्र कृपा महापुरुष स्वतंत्र कृपा प्रेम भक्ति आस्वादन पार प्रेमिक मान मुखरे आर परिभाषा पुष्ट होता है क्या सर्वोत्कृष्ट परिभाषा ये कहगला भक्ति राज्यर सब शेष सोपान कहु अधिक किसी ना महाप्रभु बड़ कृपा मान प्रति ये वस्तु दान करमें आस्वादन करुले कृष्ण प्रेम जदि सूर्य है तार किरण गुड़िक हूँ भाव सदृश अनेक भाव अच्छे जगत रे कृष्ण किंतु सूर्य सदृश सूर्य एक से प्रकार किरण बहुत सूर्य भगवान गोटे तेणु भाव अनेक अच्छी भाव विचार तो अनेक क्लास ग्रेडेशन कराई किंतु प्रेम तो कृष्ण प्रेम से प्रेम भी अनन्य हवा दरकार अनन्य केवल कृष्ण पाई कृष्ण भजन कृष्ण पाई आमर त्याग आमर सब किछ आमर सब केवल भगवान पाई हवा ठाकुर जी को पाई से भी अनुगत्यमय आज जोटी कृष्ण प्रेम भक्ति प्रकट हेबे सीट विधि मार्ग अंतर्हित हो जाए प्रेम भक्ति प्राकट्यरे जिते से विधि मार्ग अंतर्हित जमती सूर्य उदय हेले खद्यतिकार कौन से अवस्थित रोनि सूर्य भगवान जब उद्भासित हे पूर्व दिग बल खाद्यतिकार किसी रोनि तेणु जो विधि मार्ग सब रही स्वत स्वत अंतर्हित हो जदि साधन समय जी कौन विध्यांश जदि आसक्ति रोचे ताले प्रेम भक्ति ता दूर हो जाए दुष्प्राप्त दुर्लभ हो जाए से प्रति भी गुरुत्व रक्षा दरकार विशेषकर लोभ रक्षा दरकार आ प्रेमिक मानक संग हेले जमी रागात्मिका जो नित्य सिद्ध परिकर से अनुगत्य जो रागानुग भजन होता है सही प्रेम संपूर्ण होता है जोड़ा विधि मार्ग चरम सोपान कह वैधि मार्ग पर ये महाप्रभु कहले प्रेम बिना जीवन व्यर्थ बोली कहीदे आम जो आम गुरुवर्ग शिखी ए पथर पथिका मान आमर लक्ष्य हूँ ता कि से लक्ष्य स्थल पहुँचे आमको से पर साधन भी करवा दरकार से मन भितर लोभ जाग्रत हवा दरकार अन्य कौन सी ममता रखिले हेनी कौन सी बंधन रखिले हेनी कौन सी बाधा रखिले हेनी कृष्ण प्रेम जो उन्मादी ना गोपी मैंने पगलेनि से प्रेम को आम जब अवलोकन कर देखिया से प्रेम कौन सी धूली ना कौन सी मली ना कौन सी आवर्जना ना कौन सी कामना ना कौन सी देह सुख ना गोपीगण ना को विचार अनन्य प्रेम जाओ कह जो बेणी भितर ठाकुर जी गोपी मान कौन अरे गोपी हो स्वागत महाभागा जो श्लोक भी उठे गोपी मैंने जाओ तुम मन आसल कितु जाओ तुम घर को फेरी जाओ
कहीं तुम मान स्वामी अच्छा शशुर अच्छा देवर अच्छा तुम पर धरीच तुम मान सब जाओ तुम मान तुम निजन सब अच्छा जाओ किंतु गोपी मान तो ममता तो प्रीति तो केवल ठाकुर जी प्रति थी ना तेणु कहले हे श्याम सुंदर आम तो जीव ठीक अच्छे किंतु आम छाड़ी तो रही पारून कहीं तुम विरह जीविका धारण कर असंभव हो ठाकुर जी कौन जदि जीविका अथ तुम मैंने कथा कमी कौच से गोपी मैंने कही अरे महाराज देख आम मैने एथिपाय जीवन धारण करू तुम जमी खुशी रुह आम मरीज तो तुम बिना आम तो मरीज महाराज आम तुम बिना आम जीवन ही व्यर्थ किंतु जदि काली सका राति प्रभात जदि ब्रज ब्रज भितर जदि घोषणा हो देख ये श्याम सुंदर नंदलाल तीन शत कोटी गोपी प्राण प्राणत्याग करम ना के कलंक हो महाराज आम चाहून तुम ना कलंक हो कहीं आमर प्रीति आमर प्राण प्रीतम सबकि तुम्हें महाराज प्रभु से तुम्हें भल जिते दुख उपजे वन विथिका सदृश गोटे मृन्मय मूर्ति तैयार कर पूजा कर सहीटी कालेपात करूँ कि तुमरी विरह को पथर भाया सहयोग करू पचे तुमको आम कष्ट यही हूँ अन्य प्रेम संगत बांछा गर्भ तो विश्व प्रसन्न पति पावन।